तो हमारे घर में आज आ गया है छोटा सा मेहमान। अगर आदि होता ना, शिवांश और आदि दोनों इतने खुश हो जाते ना, उन लोगों को ये लेडी बग बहुत पसंद है। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। गुड आफ्टरनून हो गई है बहुत ही अच्छी सी। आज हम लोग बनाने वाले हैं पास्ता, देसी पास्ता। हम लोग कैसे बनाते हैं ना, मैं स्पेशली कैसे बनाती हूँ ना, आज वो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। और ये जो पास्ता इस बार लाई ना, मैं आसदा से लाई थी, वैसे मैं वीट वाले लाती हूँ, दिखा देती हूँ। नॉर्मली जो हमारे घर में पास्ता आता है ना, वो ये आता है, ये होल वीट वाला। तो ये हेल्दी रहता है, तो इसीलिए मैं वही लाती हूँ। 3 पैकेट तो उसके ऑलरेडी मैंने ला दिया है, पर इस बार मैंने सोचा कि और एक भी ट्राई कर लूँ मैं। तो ये फरफल वाला मैंने ट्राई किया। फरफल हम किसको बोलते हैं इंडिया में। और ये अब यहाँ पे फरफल के शेप में जो है वो पास्ता है, तो मैंने सोचा कि ये ट्राई करें। मुझे ऐसे डिफरेंट टाइप के जो शेप्स आते हैं ना, वैसा कुछ खाने में बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि शिवांश और आदि को भी अच्छा लगे, क्योंकि उन लोगों को फिक्स है कि वो कर्ल वाला आता है ना, वही अच्छा लगता है। पर चलो ये बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे बनाती हूँ मैं दिखाती जाती हूँ। तो यहाँ पे ले लिए है हमने पास्ता, चलो पूरा बना ही लेती हूँ क्योंकि हम 4 लोग खाने वाले हैं। तो पूरा पैकेट ले लिया है, अच्छे से धो के पानी में वॉश करके अच्छे से थोड़ा सा सॉल्ट वोल्ट डाल के उबालने छोड़ देने। इसमें डाल तो दिया, पर मुझे लगता है कि ये छोटा ही पड़ जाएगा, तो बड़े में ही डाल देती हूँ मैं इसके अंदर। तो डाल दिए है पानी के अंदर, बस सॉल्ट डाल के इसको बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। वैसे ना ये पास्ता की एक ट्रिक है, यहाँ से अगर हम लोग ये स्पैचुला ऐसे रखेंगे ना, तब उबाल आएगा, तब ये बाहर नहीं निकलेगा पानी। तो गैस का दिया है चालू, मैंने स्लो एकदम ही रखा हुआ है, क्योंकि आज है चैलेंज। मैं बच्चों को लेके वापस आऊंगी ना, तब तक ये हो जाना चाहिए। आई थिंक मुझे 10 मिनट हो गए, फटाफट से जाके लेके आती हूँ। तब तक हमारे पास्ता जो है वो बॉईल होके हो जाएंगे तैयार, फिर हम लोग क्या ट्विस्ट लाने वाले हैं बाद में बताती हूँ। तो समटाइम ना मैं सब्जी भी ऐसे ही करती हूँ, एकदम स्लो फ्लेम पे रख के चली जाती हूँ बच्चों को लेने। जब भी वापस आती हूँ ना, तब तक हो भी जाती है, क्योंकि बहुत दूर नहीं है हमारे स्कूल। कार में 2 मिनट जितना ही होता है, पर वो लोग एंड ऑफ द डे थक जाते हैं, तो मैं वॉक करके नहीं लेने जाती है। आती हूँ तब तक दिखाती हूँ कि कैसे बन जाते हैं। तो बस बच्चों को लेके आई हूँ घर पे, और यहाँ पे देखिए अभी तक थोड़ा सा भी उबाल नहीं आया यार, क्या बहुत जल्दी लेके आ गई मैं, पर कोई बात नहीं, उबाल नहीं आया वही अच्छा है। आज जो हीरो हमारो हेयरबैन पेरी ने जवाब मांडे स्कूल है ना दी शिवू। शिवांश को सब कुछ पता रहता है, बताओ भला। मैंने अभी तक ये रखी भी नहीं है चेयर अंदर आते ही शिवांश ने पूछना स्टार्ट कर दिया। शिवांश क्वेश्चन मार्क बनता जा रहा है दिन ब दिन, है ना शिवू। आते ही वो बोल रहा था कि क्या मैं बाहर खेल सकता हूँ, घर पे जाने के साथ ही वेदर अच्छा हो रहा है ना, तो उन लोगों को भी ऐसा होता है कि बाहर खेल ले। आदि भाई, आदि भाई, आदि भाई, जब तक हमारे पास्ता जो है वो बॉईल हो रहा है, तब तक हम लोग बना लेते हैं लहसुन की चटनी फटाफट से। लहसुन का ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा हैक है, अभी देखो ये बाहर ही नहीं निकला, अदरवाइज कितना बाहर निकल गया होता है यहाँ पे लीक होकर। पर ये स्पैचुला रखा हुआ है ना, बाहर नहीं निकलेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा ये जो है ना एज, वहां से बाहर नहीं निकलेगा। पास्ता हमारे उबल गए हैं, इसको छान लेते हैं इस ठंडी में फटाफट। गार्लिक चटनी बनाने के लिए मैं लेती हूँ बहुत सारा गार्लिक यहाँ पे, और उसी के साथ डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा सॉल्ट, और उसके बाद धनिया जीरा पाउडर, और उसके बाद बहुत सारी लाल मिर्च, और थोड़ा सा होममेड योगर्ट खट्टा खट्टा। तो अभी इसको कर देते हैं क्रश। तो गार्लिक चटनी बनने के बाद यहाँ पे लगा दिया है मैंने तड़का, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है वो करी पत्ता बहुत पसंद है, तो करी पत्ता डाल के लगा दिया है बहुत ही अच्छा सा तड़का हमने यहाँ पे। तड़का लगाने का ये फायदा है कि जो रो टेस्ट आता है ना गार्लिक का, वो चला जाता है। अभी जो है पास्ता का सॉस रेडी कर ले, वो जो है रेडी ही आता है, वही मैं लेने वाली हूँ, पर उसके अंदर जाएगी ये गार्लिक चटनी, और क्या जाएगा वो भी मैं आपको अभी बता कि आपको पता चले कि देसी पास्ता कैसे बनता है जो मेरे स्टाइल में। मैंने चाय रख दी है उबलने के लिए गिरीश के लिए, क्योंकि वो ऑन द वे है, आते ही हो गए। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है बटर, पास्ता बनाने के लिए बटर डाल दिया है। बटरी पास्ता बहुत अच्छे लगते हैं क्रीमी से। और इसके अंदर हम लोग डालेंगे ये हमारा पास्ता सॉस, जिसमें है टमाटर चेडर क्रीमी पास्ता है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है इसके अंदर। तो थोड़ा सा जो बटर है वो मेल्ट हो जाए, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालते हैं ताकि बटर जल ना जाए, ठीक है। तो मैं आ गए हैं गिरीश जी, और उनके लिए चाय है यहाँ पे तैयार विथ नया नया कप, कल ही लाई हूँ मैं। अच्छा
बूच मार कोई ना बूच हाँ बूच मारू ना करू गणी क्या गणी गणी बूच करने के लिए। और यहाँ पे हमारा जो है पास्ता सॉस भी हो गया है नियरली डन, तो इसके अंदर डाल देते हैं हमारे जो पर्पल वाले पास्ता है वो नहीं जो बेस्ट जो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो तो बाकी ही रह गया है, वो है क्या ये अचार मसाला, तभी तो बनेगा हमारा देसी पास्ता। थोड़ा सा लहसुन की चटनी आपके लिए, तो थोड़ा सा डाल देंगे हम लोग अचार मसाला, इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत तीखा हो जाएगा। नियरली हमारा जो है ये सॉस हो जाए तैयार, अब इसके अंदर डाल देते हैं पास्ता। तैयार है हमारे पिंक पास्ता विद गार्लिक हर्ब एवरीथिंग, चीजी पास्ता है तैयार हमारे, क्योंकि बहुत सारा हमने पास्ता सॉस भी डाला है वो बहुत ही अच्छा सा लगता है। और यहाँ पे बस इसमें क्या करना है पता है, अभी थोड़ा सा चीज इसके ऊपर डाल देना है और बंद कर देना है ताकि मेल्ट हो जाए चीज, बहुत ही यमी सा टेस्ट आता है, एकदम क्रीमी सा गार्लिक जो वैसे हम लोगों ने बहुत सारा डाल ही दिया है। तो चलिए आ जाइए सब लोग पास्ता खाने। यहाँ पे मेरे दो शेर रेडी, हम लोग जा रहे हैं विजय अंकल के वहाँ पे बर्थडे पार्टी है तो वहाँ पे जा रहे हैं, और यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ। पता है कि पार्टी में जाना है फिर भी मैंने पास्ता बनाया, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं तो भूखे हो ही जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो बनाना रहता ही है। चलिए अभी निकलते हैं, चलो चले। यहाँ पे गिरीश जी भी रेडी हो गए है, कैसे है आप? ठीक है? यस चलो। पास्ता अच्छे थे? हाँ अच्छे थे। हैप्पी बर्थडे गुंजन, किसी का गुंजन किसी का गुंजन। हाउ ओल्ड आर यू? 11। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाजू बाजू में आओ। Just remember the flame, you remember the flame. Hello. Chalo. Happy birthday. Forget all about that tonight. Happy birthday. You remember the flame. Happy birthday. Happy birthday. 10 11 मोटर पानी आदि मेरा नंबर कब आएगा?
just remember the flame. You remember the flame. ईद स्पेशल शाही टुकड़ा हमें वरस में एक हमरा ईद ना गए। अच्छा ईद गई ना, बर्थडे साथे ईद है ना। पहले ट्राई तो करो तुमने भावे छे के नहीं। खाली मैं फोटोज में और वीडियोस में जोई छे शाही टुकड़ा, आज फर्स्ट टाइम जमीश एव। हां हां, मैं फर्स्ट टाइम तो वहीं आवीन खबर पड़ी कि आ शाही टुकड़ा नाम की कोई रेसिपी आवे छे। ओके यस, हां अच्छी बात छे। ओके आशा बेन, रबड़ी ने अंदर टोस्ट नाखी दीदा एम। ફ્રાઈ ટોસ્ટ નાખવાના, સિરપમાં ડીપ કરીને પછી શાહી ટુકડા શું તે બનાયા છે નિરાલી સ્પેશિયલ, અને શું કહેવાય ઘૂઘરા ઘૂઘરા તીખા ઘૂઘરા, આને ચટણી જેમ ખાવાના હે ને, ચટણીઓ નાખીને મારું કામ ઓછું થઈ ગયું, મારે એવું કરવું હતું પણ મુકાઈ ગયું બધું, જોઈ લો બધા પણ જો તો શાહી ટુકડા શાહી ટુકડા થેન્ક યુ, ઓકે હેપી બર્થડે અગેન, બાય બાય, થેન્ક યુ સો મચ ફોર શાહી ટુકડા એન્ડ એવરીથિંગ, થેન્ક યુ, બાય બાય, થેન્ક યુ ફોર ધ પાન.